नमस्कार साथियों, आज का हमारा सेशन क्यू एंड ए का रहेगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि रबड़ की मोटी परत जो टायर के ऊपर वाले घेरे में रहती है उसे क्या कहा जाता है? कि जो टायर के ऊपर वाली जो मोटी लेयर रहती है उसको ट्रेड कहा जाता है, जिसपे वो चूड़ियाँ सी कटी होती है ना, गुड्डियाँ कटी होती हैं, उसको ट्रेड कहा जाता है। टायर का ब्रेकर किससे बनाया जाता है? हमने लास्ट की दो वीडियो पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा कि उसमें हमने बताया था कि रियान के धागों या नायलोन के धागों से बना होता है जो ब्रेकर होता है। उसको क्या करता है, वो जो गाड़ी का लोड है उसको अपने ऊपर आके एब्जॉर्ब करके इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करता है उस लोड को टायर के ऊपर। नेक्स्ट है, टायर में लगी स्टील की तारें क्या कहलाती हैं? टायर के अंदर लगी स्टील की तारें बीड्स कहलाती हैं। वो बीड्स क्या काम करती हैं वो भी मैंने वीडियो में समझाया था आपको। टायर को रिम के साथ बांध के रखती हैं, ठीक है, क्योंकि रोड पे जब टायर चलता है तो उस पर लोड भी ज़्यादा रहता है, एंड सेकंड की जब वो चलते 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 वो रिम से बाहर ना निकले, उसके लिए एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए उसमें जो तारे हैं स्टील की वो बायस लगाने के लिए बीड्स का प्रयोग किया जाता है। यदि रिम में टेढ़ापन होगा तो क्या होगा? अगर रिम में टेढ़ापन है तो क्या होगा, टायर जल्दी घिसेगा। मान लो कोई एक एंगल मतलब एक सर्कल है, उसको अगर आप हल्का सा टेपर कर दोगे और उसके ऊपर जो टायर है मान लो रिम है वो हल्का सा टेपर हो गया तो क्या होगा, लोड एक तरफ जाएगा। एक तरफ जाने से क्या होगा, टायर एक साइड का ज़्यादा घिसेगा। स्टैटिक बैलेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैटिक बैलेंस या व्हील बैलेंसिंग बोल सकते हैं, उसमें बेसिकली जो वीडियोग्राफिक सिस्टम है उसका यूज़ किया जाता है, उससे अलाइनमेंट सेट की जाती है उसकी, वीडियोग्राफिक मशीन बोलते हैं उसको। बेसिकली अनबैलेंस व्हील चलाने से गाड़ी में कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनबैलेंसिंग वाले जो टायर हैं जब या गाड़ी है उसको चलाने से क्या होगा, उससे क्या होता है व्हील बबलिंग करना शुरू करने का। कभी देखा होगा आपने, जब भी जो अच्छे चालक होते हैं उनको जब लगता है कि व्हील बबलिंग कर रहा है वो सीधा मैकेनिक के पास जाके वर्कशॉप में जाके एजेंसी वाले से या मैकेनिक से संपर्क करते हैं और उनको बोलते हैं कि व्हील बबलिंग कर रहा है। तो उस केस में जो मैकेनिक है वो क्या करता है, व्हील्स को वीडियोग्राफिक मशीन के थ्रू चारों टायर में लगा के इनपुट को लैपटॉप के थ्रू चेक करता है कि कौन से व्हील की अलाइनमेंट आउट हुई है और उसको अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूटरों व थ्री व्हीलरों में कौन से रिम प्रयोग किए जाते हैं? देखो, इनमें टू पीस या स्प्लिट टाइप यूज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्यूब में हवा भरने के लिए लगाया गया वाल्व कैसा होता है? देखिए, जो ट्यूब के ऊपर जो वाल्व लगा होता है वो वन वे वाल्व होता है। वन वे मतलब एक ही रास्ता है, उसी से ही उसी में हवा भरी जा रही है, उसमें रिटर्न वाल्व नहीं है कि वापस रिटर्न होके हवा रिटर्न आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्यूब में पंक्चर बड़ा हो तो क्या करना चाहिए? उसे वल्केनाइजिंग मशीन पर ही लगवाना चाहिए। आजकल देखा होगा मार्केट में बहुत सारी वल्केनाइजिंग मशीन चली हुई है, उसी से ही पंक्चर लगवाना चाहिए। टायर की किस्में बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है टायर की किस्मों के बारे में बताइए। बेसिकली हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में टायर की तीन किस्में होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। कौन कौन सा था, देखा, हाई प्रेशर, उसके बाद क्या था, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और एक्स्ट्रा लो प्रेशर। तीनों का हमने यूज के समझ लिया। हाई प्रेशर नॉर्मल बड़ी गाड़ियों में होता है, लो प्रेशर थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ में चलने वाली गाड़ियों में होता है, एंड एक्स्ट्रा लो प्रेशर रेतीली जगह पे चलने वाली गाड़ियों में ज़्यादातर यूज होता है, या बोल सकते हैं बैलून टाइप टायर होता है ना जो रेसिंग कार्स में, उनमें ज़्यादा यूज होता है ताकि टायर हैं वो चिपक के चले। जो हाई प्रेशर वाले वो थोड़ा सा रोड के साथ इतना चिपक के नहीं चलते हैं, वो मैक्सिमम ज़्यादा लोड वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही यूज़ होते हैं। तो आर्टिलरी रिम किसका बना होता था? आर्टिलरी रिम बेसिकली लकड़ी का बना होता था। तो आई होप टायर्स के इस क्यू एंड ए सेशन में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं अगेन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।